दिवस के अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। हमारे बोर्ड के सारे सहयोगी हैं, श्री चौबे जी, श्री गोयल जी, श्री बासु जी, सीबीओ श्री ए के श्रीवास्तव जी, ऋषि परिवार के समस्त सदस्यगण यहाँ पाए, सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों, आदरणीय महिलाएं, परियोजनाओं से जुड़े सारे हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण, आज़ादी के इस महापर्व में मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे तो आज़ादी का हर दिन पावन होता है, लेकिन इस बार कुछ खास है। हमारे 75 साल पूरे हुए हैं और पूरे भारत में इस अमृत काल में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किया, बहुत सारे कार्यक्रम जगह जगह पे परियोजनाओं में हुए, मंत्रालय में हुए, और आगे भी अगस्त 23 तक ये चलते रहेंगे। और जिस तरीके से हमारे सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और जो हम लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं, बहुत खुशी होती है। हर परियोजनाओं में कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हम 75 साल मना रहे हैं। हमने आज कुछ जस्ट ऐसे पेपर पढ़ रहा था और कुछ घर में भी मेरी बात हो रही थी। जब 1947 मार्च के दिन रात को लोग सोए 14 अगस्त को, तब तक वो गुलाम थे, और सुबह उठे उनको आज़ादी थी। जो उनके अंदर खुशियाँ थी, उल्लास थी, और जिस तरह मनाए, तो लोगों का कहना है कि साहब जब हम पहला आज़ादी मना रहे थे, उस तरह की अनुभूति अभी हो रही है। तो इस देश को इस तरह का कार्यक्रम में लाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था, पूरे देशवासी, खासकर जो बच्चे जिनको कुछ अभी ज्ञात नहीं था क्या आज़ादी होती है, और जो बूढ़े जो समय के हैं, जिन्होंने गुलामी देखी थी, वो बहुत ही प्रसन्न हैं। और चीज़ें जो हम कर रहे हैं, तो हम सबको इस तरह के आज़ादी के उत्सव को मना रहे हैं। बहुत जिम्मेदारियाँ हम सबकी बढ़ती हैं। जिन्होंने इतने कष्ट के साथ देश को आज़ाद कराया, उनकी क्या कैसे कहाँ जाए। आज सुबह भी कुछ पेपर में देख रहा था कि जब देश आज़ाद हुआ था, हमारी शिक्षा जो थी लोगों में मात्र 18% थी, अभी जाके 74% हुई है। मतलब अभी भी 26% कमी है, और 26% को देखते हैं तो 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो अभी देश को कितना आगे ले जाना है, और ले जाने में हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए, वो देखने की ज़रूरत है। हमारी औसत आय 37 साल से 70 साल हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। हम लोग इसका आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं। इससे आपने देखा मेक इन इंडिया पे काम चल रहा है, तो मेक इन इंडिया में हमारा क्या रोल हो, वो भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से जेनरिक रेफ्रिजरेशन बनाएं कि हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो। अगर हम तेजस
विदेशों में दे सकते हैं। जो जमाने में सिर्फ हम लोग बाहर से लड़ाकू जहाज खरीदते थे, हम इतने अच्छे अच्छे ड्रोन बना रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट जो विदेशों से आते थे डिफेंस के इंडिया में बन रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, तो हम बहुत आगे विकास कर रहे हैं। हम लोग इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में हैं और ये बहुत बड़ा अवसर है कि हमें जो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है उसमें हम पूरे वर्ल्ड में लीड ले रहे हैं। और जब क्लीन एनर्जी की बात आती है तो हमारे हाइड्रो की बात आती है। हाइड्रो के जो फ़र्क है कि सबको दिखता है कितने फ़ायदे होते हैं, और आप सबको मालूम है कि हाइड्रो से बैलेंसिंग पावर की बात होती है, लोकल एरिया डेवलपमेंट की बात होती है, इकोनॉमी लोकल एरिया में बदलती है, लोकल के एजुकेशन में, हेल्थ में हम फ़र्क डालते हैं। तो हमारी जो चीज़ों को है, जो हम इसके एक्सपर्ट हैं, 46 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। हम सिर्फ हाइड्रो को टैरिफ के रूप में नहीं जोड़ सकते कितने रुपये की बिजली बनती है, तो ज़रूर शुरू में महंगी होती है लेकिन बाद में बहुत सस्ती हो जाती है। इसके पुराने हमारे खुद के प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है, 1 रुपये की बिजली हम बना रहे हैं, भाका 28 पैसे में बिजली बनाता है, कभी वो भी 50 पैसे का था जिस समय बनाता, बहुत महंगा था 50 पैसे। तो आने वाले समय में हम बिजली जो बनाते रहते हैं, जो नए प्रोजेक्ट आएंगे थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट जो हमारे समय से पहले बने हुए वो धीरे धीरे कंपनसेट करते रहते हैं। तो हमको इस तरह की चीज़ें हर फोरम में बताने की ज़रूरत है जिससे कि हम हाइड्रो के बारे में बात कर सकें। अभी सैटरडे को जब हम लोग महोत्सव का कार्यक्रम किए, फिर एक मैच चल रहा था, तो मुझे कहीं पर बुलाया गया, बार बार रिक्वेस्ट किया गया, तो मैं भी गया। वहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, तो देश के आगे भविष्य की चिंता करते हैं, उनके बारे में जब मैं हाइड्रो की बातें करी कि हाइड्रो में पॉलिसी में क्या चीज़ें हैं, कहाँ पीछे हैं, क्या ज़रूरत होनी चाहिए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस बात को। तो बताया कि हमारे पास मात्र 8% की हम बिजली बनाते हैं, हाइड्रो की जो कंट्रीब्यूशन है, और उसके फ़ायदे हैं इतने ज़्यादा हैं। ये नीति आयोग जो लोग बैठे हैं नीति आयोग में या जहाँ पे भी जो पॉलिसी मेकर है, उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े लोग नहीं हैं, उनको नहीं पता है कि जहाँ हाइड्रो बनता है किस तरह के हम विकास कर पाते हैं और देश के लिए आने वाले सैकड़ों साल तक किस तरह से करते रहेंगे, उनकी क्षमता नहीं वो समझ सके। उसको समझाने की जिम्मेदारी हम लोग की है, हम सब इतने यहाँ पे हैं जो हमारे जो परियोजनाएँ से जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन सब चीज़ों पर कार्य करते रहें। आज भी पढ़ रहा था हम लोग, चूँकि इस अमृत काल में बहुत सारे भारत सरकार ने कुछ शुरू करने की कोशिश की है, जैसे हम हिंदी में सब काम करें, हिंदी के ऊपर बात होती है। देख रहा था कि इजराइल में जब नया इजराइल बना, आज़ाद हुआ, तो वहाँ पे कौन सी भाषा चली जाए, अलग अलग भाषाएँ थी, क्योंकि भाषा भी लुप्त हो गई थी, उन्होंने सब इकट्ठा हो कहा कि हम एक ही भाषा पे काम करेंगे और बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिनको भाषा आती थी बच्चों को सिखाया गया। फिर हुआ कि बूढ़े लोग कैसे सीखें, बताया गया कि भाई बच्चे जाके अपने पेरेंट्स को 1 घंटा वो अपनी भाषा बताएंगे। पर आज देखिए इजराइल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो हम क्यों नहीं हिंदुस्तान में जब सारे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को हम आगे क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों उसमें शर्म करते हैं बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। तो आज इस मन से अभी आह्वान करूँगा कि अमृतकाल में जो काम चल रहा है हम हिंदी में इतना कार्य करें कि हम भारत में सबसे नंबर 1 पर आएँ और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते रहें। हमने परियोजनाएँ बहुत दी हैं, क्योंकि हम सेक्टर में इस तरह के हैं कि जहाँ पे बिजली की ज़रूरत है देश को, और जो हम काम कर रहे हैं आप सबके प्रयास से, टीम और वर्क से बहुत अच्छा हो रहा है। जो हम लोगों ने 45-46 साल में किया उतने मेगावाट कैपेसिटी पे हम इस समय काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कि अगले 3-4 सालों में, बल्कि इसी 1-1 साल से हर साल कुछ कुछ जुड़ते जाएंगे, आपकी बहुत बड़ी कैपेसिटी हो जाएगी और इतने ही करीब आपके पास है जो 1 से 1.5 साल के अंदर में आप शुरू कर लेंगे। पाइपलाइन हमारी बहुत बड़ी है, तो हमारे पास कोई परियोजना में कमी नहीं है, और सारे संभव तभी हो पाया है कि हमारे जितने लोग हैं, जितने ऑफिसर हैं, वर्कर हैं, सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि इतने काम के बावजूद भी वो अपने आप लगे हुए हैं, और बहुत सारे जो हम लोग नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अभी हम लोग 18 तारीख को नेपाल में भी एक MOU साइन करने जा रहे हैं जो कि 1200 MW की है। बात हुई और नेपाल के जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनसे बात हुई, वो चाह रहे हैं कि कर्नाली रिवर पे भी
कि कम से कम लेटर ऑफ एक्सेंस साइन कर रहे हैं तो हमको अभी कोई योजना वहाँ मिल रही है। ये सिर्फ इसीलिए है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं जगह जगह पे और जो हमारी एक क्षमता डेवलप हमने की इतने सालों में, ये उसकी देन है। हमारे बैलेंस हर दिन एक काम हो रही है। हम लोगों ने 2500 करोड़ प्रॉफिट चलती थी, पिछले 3 वर्षों में 3000 से लेकर के 3500 करोड़ पहुँचे हैं। और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं निश्चित रूप से 4000 करोड़ पार करेंगे और 4000 के बाद जो आगे परियोजनाएं आएंगी हम पीछे नहीं पूछने वाले हैं। तो हमारी जितने हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी हमारी उतनी ज़्यादा कैपेस करने की क्षमता बढ़ेगी। तो हम सब ये मौके को हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। इस 75वें जो हम पूरे आज़ादी मना रहे हैं उस पर इसको डेडिकेट करना चाहिए कि हम देश के लिए कितना दे सकते हैं। आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण भी थोड़ा लास्ट में सुनने को मिला, मैं देख रहा था तो उन्होंने काफ़ी चर्चा की देश में क्या क्या कहाँ से कहाँ विकास हुआ, चाहे मेडिकल सेक्टर हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। लेकिन जो सबसे बड़ी चैलेंज है सबके सामने देश की, वो करप्शन का है। मैं चाहूँगा आज के दिन हम सब अपने अंतर मन से शपथ लें, अंतर मन से, मैं किसी को कोर्ट नहीं करूँ, अंतर मन से लें और अपने सीट के आगे लगाएँ कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर हम इस तरह करें शायद दुनिया का हिंदुस्तान के पहले पब्लिक सेक्टर होंगे जो कहेंगे भ्रष्टाचार नहीं है। और आपने देखा है 7 सालों के अंदर में कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट किस तरह से फ्रीडम दे रखी काम करने के लिए, सही काम करने के फैसले में कोई प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा काम करो, जल्दी काम करो, फास्ट मूविंग बने रहो कि हम अच्छे अच्छे परियोजनाओं के लिए आए। इन शब्दों के साथ हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे भविष्य बहुत अच्छी है, हम लोगों के लिए अपने हाथ में है। हम किसी के प्रेशर में आए बिना अच्छा काम करें, अच्छा विचार करें और एक अपने अंदर में अच्छा करने की अपने अंदर में भावना रखें और दूसरों को प्रेरित करें और दूसरों की गलत चीज़ों में हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करें। ये चीज़ करते रहेंगे कॉर्पोरेशन बहुत आगे जाएगा, बहुत भविष्य हमारा भी है और हमारे भविष्य के साथ देश का भी एनर्जी सेक्टर जुड़ा हुआ है। तो हम उसके लिए कार्य करते रहें, शायद इससे बड़ा अमृतकाल के इस अमृत महोत्सव में कोई चीज़ नहीं होगी। जो मेरे कुछ मन में विचार है बोला प्रधानमंत्री जी का, भाषण सुनिए कितना अच्छा उन्होंने कहा है, उनको भी अपने आप में चिंतन मंथन में लाइए और टीम बना करके काम कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि जितने परियोजनाएँ चल रही हैं, जो मेरा बिल्कुल यंग लड़के हैं, जो डिप्टी GM है, DGM है या सीनियर मैनेजर हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है। ऑफिसर अपने आप में आप कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरा काम जो देख रहा हूँ दूसरे से तेज चले, यही हम लोगों की इच्छा थी। हम पूरा मैनेजमेंट यही चाहता था कि आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो तो सारे मिलकर के हर काम को आगे ले जाएं और अच्छे क्वालिटी से करें, अच्छे समय से करें। और हमको लोग आके बताते भी हैं कि साहब आप तो फाइलें एक बार में हम निकलती रहती चलती रहती, शायद यही कारण है कि जो हम पहले काम नहीं करते थे, धीमा करते थे, डिसीजंस नहीं लेते थे, इफिशेंसी बहुत कम थी। अब चूँकि हम काम एक अच्छे मन से कर रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, इनके कारण से हम और ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। हमारी सारी जो डिपार्टमेंट्स है सब अपने आप में एक अच्छी स्ट्रेंथ रखती हैं, चाहे वो हमारी चाहे कंस्ट्रक्शन की हो, डिज़ाइन की हो, कॉन्ट्रैक्ट की हो। आर्बिट्रेशन भी मेरा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और डिज़ाइन के साथ तो बात करके बिल्कुल एक अलग खुशी आती है। और मैं लोगों से बताता हूँ, अभी हमने बहुत सारे लैब यहाँ पे बनाए हैं, EWS सिस्टम हम लॉन्च हम लोगों ने किया, बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो हमारी जो क्षमता है ये हमारे अंदर थी उसको जागृत करने की ज़रूरत थी और आप लोगों के माध्यम से जागृत हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इसको हम बनाए रखें, चलाते रहें। अंत में सबको पुनः बधाई देता हूँ। मैं चाहूँगा मेरे साथ जय हिंद के आप भी नारे लगाएं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, हिं। धन्यवाद। निगम एवं NHPC आवासीय परिसर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों का योगदान रहता है। इसके अलावा हमारे कार्मिकों और उनके परिवारजनों की सेहत के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवाएं में पैरामेडिकल स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज के इस पावन अवसर पर मैं परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर से विनम्र निवेदन है कि सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अपने कर कमलों से प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें। सर्वप्रथम निगम मुख्यालय के निरशक्ति सदन में साफ सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सफाई कर्मचारी श्री दिनेश जी से अनुरोध है कि कृपया आप आदरणीय CMD सर के कर कमलों से
प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह प्राप्त करने का कष्ट करें। निगम मुख्यालय के ज्योति सदन में साफ सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सफाई कर्मचारी श्री रणवीर जी से अनुरोध है कि कृपया आप आगे आए और आदरणीय सीएमडी सर के आप सभी लोग आगे आ जाए। श्री रणवीर जी ग्रहण करें। कुमार जी कृपया आप जाए। पुष्पाल हमारे सुरक्षाकर्मी श्री महेंद्र सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया आप आए और आदरणीय सीएमडी सर के कर कमलों से स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। सुरक्षा गार्ड श्री भूपेंद्र शर्मा जी कृपया आप आए और आदरणीय सीएमडी सर के कर कमलों से प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। पैरा मेडिकल सेवाएं में प्रदर्शन करने के पर्यवेक्षक फार्मेसी श्री लक्ष्मण सिंह जी कृपया आप आए। श्री लक्ष्मण सिंह जी आप आइए कृपया जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रुप फोटो के लिए आदरणीय सीएमडी सर से रिक्वेस्ट है, सीधे निदेशकगण श्री चौबे सर से सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में पकड़ ले। राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जा रहे हैं। ग्रुप फोटोग्राफ के लिए लाइन से एकत्रित हो जाएं। फोन मेरे पास आ